मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ क्रिकेट लाइफ, आई लव क्रिकेट क्रिकेट में मेरी जान है तो कैसे छोड़ दूँ और रौनक साउथ कश्मीर से आती हैं। और साउथ कश्मीर में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से हु इंस्पिरेशन माय इंस्पिरेशन धोनी एक्चुअली मेरे को पूरा लगता था कि मैं लड़का हूँ लड़कों के साथ खेल रही हूँ तो पूरा पता नहीं था लड़का लड़की का डिफरेंस था कुछ ऐसे ही किड्स लड़कों के साथ बुलाने आते थे घर पर रौनक यार मैच है वहाँ पे चल खेलते हैं आई वाज लाइक चलो चलते हैं तो थैंक कि थोड़ी बड़ी हो गई हो तो थोड़े बाल लंबे कर दो अच्छी लगोगी बट आई एम लाइक कि बॉलिंग के टाइम बाल सता लेते हैं तो अभी नहीं करने फिलहाल लंबे तो, तो न, मैं खुद ही काट लेती हूँ। क्लास 5th when i played my first 19 या रौनक मेरे साथ है अंडर 19 जेकेसीए का कैंप चल रहा है टीम की सिलेक्शन होनी है और रौनक साउथ कश्मीर से आती हैं और साउथ कश्मीर में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से रौनक इस समय जम्मू में है और जे के सी की ट्रायल्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं आइए रौनक से गपशप लगाते हैं और रौनक से जानने की कोशिश करते हैं कि जो बी ने जम्मू कश्मीर के क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए एक नई कमेटी बनाई का गठन किया है उस कमेटी ने जो एनवायरमेंट इनको दिया है उसके बारे में इन बच्चों का क्या कहना है रौनक थैंक यू वेरी मच पहले ये पूरा नाम क्या है रौनक जहाँ रौनक नाम किसने रखा पिताजी ने माता ने या ताया ताई मामा मम्मी चाचा चाचा रौनक जो मेरी एल्डर सिस्टर है उन्होंने और मेरी मासी ने और मम्मा ने मिलकर रखा है अच्छा। हाँ जी फिल्म देख के रखा या किसी पीर साहब से क्या कहते हैं कहीं से वो निकलवाया कि भाई क्या नाम रखा जा सकता है बड़ा प्यारा बच्चा हमारे घर में पैदा हुआ है नाम क्या रखा एक्चुअली हम सेवन सिस्टर्स हैं मैं पैदा नहीं हुई थी तो मम्मा देखते थे एक सीरियल उसमें एक लड़के का नाम रौनक था अच्छा हाँ जी तो जब मैं पैदा हुई तो उन्होंने फिर मेरा नाम ही रौनक रख दिया सोचा था लड़का होगा बट लड़की होगी अच्छा हाँ जी लेकिन अब हाव भाव से उन्होंने आपको जो है पूरा मतलब अपने मन की तसली कर ली है उन्होंने कि चलिए ठीक है लड़का नहीं है लेकिन मेरी लड़की जो है वो लड़की जैसी है हाँ जी अच्छा तो मुझे एक चीज़ बताएं रौनक कैसा है जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने जो अंडर नाइनटीन का यहाँ पे कैंप लगाया हुआ है आप पहले पहला कैंप है आपका आपके कैरियर का या दूसरा तीसरा चौथा नहीं दूसरा तीसरा चौथा चौथा कैंप है आपका Played uh, 16 and uh, I have played uh, 19 भी दो तीन खेले 19 भी दो तीन खेल चुके हैं आप 16 भी दो तीन खेल चुके हैं आप Class fifth when I played my first 19 yeah Class fifth में Yes 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 that was आप bowler हैं batsman हैं या cricket keeper हैं I am a medium pacer bowler यू आर मीडियम पेस बॉलर एंड यू आर टेलिंग मी कि आपने फिफ्थ क्लास में आके पहला क्रिकेट मैच खेला था तो उसमें पिटे पिटे ही होंगे आप मुझे नहीं लगता कोई विकेट शिकेट लिया होगा आपने एक्चुअली पहले पहले जब गई थी पता नहीं था कि क्या होना है आगे क्या नहीं होना गई थी अच्छा परफॉर्म दिया था मे भी पिट भी की भी से, अभी पूछे से याद नहीं है मतलब पूरा क्या हुआ था भी भी बुरी मेमोरीज वैसे बंदा भूल जाता है बुरी मेमोरीज भी नहीं थी बट आई थिंक वो मेरी लाइफ की सबसे अच्छी मेमोरीज थी क्योंकि उस टाइम मैं पहली बार गई थी एंड uh, एक और प्लस पॉइंट पॉइंट था कि मैं सबसे छोटी थी टीम में तो मुझे ज़्यादा लाड प्यार मिल मिल रहा था अच्छा। तो वो बहुत अच्छी मेमोरीज थी मेरी अच्छा यानी सब कह रहे थे कि छोटा सा बच्चा है जी पाँचवीं पा, मतलब फिफ्थ क्लास में बच्चा पढ़ता है और बेटा क्या हाल है ऐसे कोई सर पे हाथ मार रहा है ठीक है तो मतलब कोच का तो कोच को तो ये हो गया कि बच्चा खिलाने के लिए मिल गया उसको नहीं नहीं ऐसा नहीं है आ, बच्ची थी मैं बट अच्छा करती थी आ, ऐसा कोई कुछ नहीं है मतलब बच्ची है स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट एज उम्र क्या थी जब आपने क्रिकेट खेलना शुरू बचपन से खेलती थी कितने बचपन से पाँच फिफ्थ तो बचपन ही होता है मतलब बिल्कुल बचपन से जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी चार पाँच साल की बच्चे उधर उधर लग जाते हैं मैं क्रिकेट खेलती थी लड़कों के साथ आ, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बचपन से ही लड़के हैं ना कि कोई लड़की है घर में एक एरिया में भी लोकेलिटी में भी कोई लड़की नहीं है सिर्फ लड़के हैं तो जिधर भी जाऊँ लड़के मेरे फ्रेंड्स हैं ना कि लड़कियाँ फिर जब स्कूल स्टार्ट हुआ तो उधर लड़कियाँ फिर हम ये कहें कि क्लास एट वन से आपने लगातार जो है लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया एनक्रेज करते थे या डिस्करेज करते नहीं नहीं एनकरेज करते थे एंड मतलब मेरे को पता भी नहीं था कि मैं लड़की हूँ एक्चुअली uh, मेरे को पूरा लगता था कि मैं लड़का हूँ लड़कों के साथ खेल रही हूँ तो पूरा पता नहीं था लड़का लड़की का डिफरेंस था कुछ uh, ऐसे ही खेल लड़कों के साथ बुलाने आते थे घर पर रौनक यार मैच है वहाँ पर चल खेलते हैं आ, चलो चलते हैं तो लगता था कि मेरा नाम तो रौनक रखा गया है ठीक है तो मतलब वो फील कभी आया ही नहीं कि कभी मैं मैं लड़की हूँ कभी अच्छा दूसरा मुझे बताइए लोकेलिटी के लोग चाचा मामा ताया उनके अलावा कुछ बुजुर्ग लोग जो लोकेलिटी के होते हैं बड़े मतलब ख़तरनाक किस्म के लोग वो दाएँ बाएँ आ, आ गया आप बूजी को यार ये क्या लड़की तुम्हारी यार ये सड़क के ऊपर लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रही होती है ये हादसा हुए हैं कभी आपके साथ ये ऐसा कोई मौका किसी ने कभी कुछ बोला नहीं जब भी मैंने कभी कोई मैच खेला है मेरे पापा हमेशा मेरे साथ होते हैं क्योंकि ब्रदर नहीं है बट पापा है तो पापा हर जगह साथ होते हैं और एक मेरी बहन भी है जो हमेशा साथ होते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी कुछ किसी ने बोला इनफैक्ट पापा को फिर तारीफ करते हैं अरे तुम्हारी बेटी बहुत अच्छा कर रही है तो ऐसा कभी कुछ फेस नहीं करना पड़ा कुछ बुरा वगैरह कुछ भी नहीं। ना यू लिव इन संगम एम आई राइट यू लिव इन साउथ कश्मीर आप ध्यान से सुनिए साउथ कश्मीर को लेकर आपके दिमाग में और आपकी सोच में बहुत सारी चीज़ें हैं ये साउथ कश्मीर से रौनक जी हमारे साथ बैठे हुए हैं तो बैठे हुई हैं ठीक है तो मुझे ये भी आपसे जानना था कि आपने पहली बार क्रिकेट का बैट कब उठाया कौन सी याद आ रहा है कुछ फर्स्ट में थे सेकंड में थे आई थिंक मेरा सब... बिल्कुल ये मत बोलना कि मैं उसमें थी पालने में थी और बैट मेरे हाथ में था एक्चुअली आई थिंक मुझे याद है मेरा सबसे पहला बैट वो छोटा बच्चों वाला बैट नहीं होता वो इतना छोटा प्लास्टिक, प्लास्टिक का भी नहीं काई था बट वो इतना छोटा होता है बहुत तो उससे मैंने खेलना स्टार्ट किया अच्छा लाइक आई आई वुड बी 4-5 साल की तब से खेलना शुरू किया अब ये मम्मी ने सुनाया है आपको कि यार तू पांच साल की थी तूने तो तब से ये मुसीबत डाल डाली है हमें क्रिकेट की। या ये खुद ही याद है नहीं खुद ही याद है एंड कभी कभी मम्मा भी जब कुछ बात कर रहे होते हैं तो पिछले वाला वो डिस्कशन आ जाता है अरे उस आ, तो एक कश्मीरी फैमिलीज में तो ये सब चीजें होती हैं क्या आप कश्मीर में शाम को बैठे हैं फिर तू वो याद है तुझे उस टाइम तूने बैट उठाया और फिर फलाने के सर पे मार दिया था ये किया था हाँ ऐसा ऐसा कुछ आपने किया है ये सब कारण में आपने किए कभी सरफ तोड़ा है किसी का बैट से बट uh, uh, बाहर नहीं खेलती थी मैं मतलब खेलती थी ज्यादा बट अब अंदर ही खेलती क्योंकि लॉकडाउन की लॉकडाउन भी था तो घर के बहुत सारे साउथ कश्मीर डिस्टर्ब भी तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा रहा जिसकी वजह से कभी कर्फ्यू है कभी कुछ है या संगम में इतनी दिक्कत नहीं थी संगम में इतना प्रॉब्लम नहीं होता मे बी उस साइड से होता होगा पूरा पता नहीं बट संगम में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ उधर सब अच्छा अच्छा माहौल है जब लॉकडाउन था या फाइव फिफ्थ अगस्त टू थाउजेंड नाइनटीन था, के बाद जो कर्फ्यू शर्फ्यू लगा बंद हुआ उसमें आपने अपने क्रिकेट को कॉन्टिन्यू कहा ना कॉन्टिन्यू नहीं कर पाई बट कभी कभी हो जाती थी प्रैक्टिस पापा घर पे होते थे तो पापा करा लेते थे, थे थोड़ा बहुत अब बहनों को तो आता नहीं है पूरा तो उनको कराना यार ऐसे मार दो कुछ थोड़ा सा मुझे थोड़ा कर लेना है तो खुद भी कर लेती थी दीवार के साथ ही थोड़ा बहुत तो बस वैसा कुछ नहीं हाँ जी अच्छा मुझे ये बताना कि कश्मीरी घरों में ना माँ का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है और बहुत सारे फ़ैसले जो है ना वो माएँ खुद ले लेती हैं उसमें पिताजी का कोई रोल नहीं होता तो आपकी मॉम आपके क्रिकेट को लेकर और आपके ठीक है आपके स्टाइल को लेकर और आपका सब चीज़ों को लेकर वो उनका क्या रवैया आपके साथ रहा क्या कहती हैं वो कभी कहती हैं कि यार थोड़ा लड़कियों की तरह भी रहा कर uh... मैं पूरा लड़की की तरह ही होती हूँ बट ड्रेसिंग और बाल वगैरह वो सब लड़कों की तरह है बट आई आई एम एम ट्राइंग ट्राइंग टू टू से से इज जस्ट इफ इफ यू यू आर इन अ टिपिकल कश्मीरी फैमिली द मदर वुड कॉन्टिन्यूसली से कि यार मतलब बाल लंबे होने चाहिए सर पे क्या कहते हैं चुनरी हो, हिजाब होना चाहिए और वो सब बचपन को तो नहीं कि मतलब आप कहते हैं कि थोड़ी बड़ी होगी तो थोड़े बाल लंबे कर दो अच्छी लगोगी बट आई एम लाइक कि बॉलिंग के टाइम बाल सता लेते हैं तो अभी नहीं करने फिलहाल लंबे तो मैं खुद ही काट लेती हूँ मतलब जाती हूँ पापा को उसको भी साथ लेके तो पापा आ जाते हैं साथ में है। तो काट लेते हैं वरना तो मम्मा कहते हैं कि बढ़ा लो अच्छा लगेंगे अच्छा आइए क्रिकेट की तरफ आते हैं आपने जो क्रिकेट अभी तक खेली है कोई एक इनिंग जो आपको याद है जिसमें जो आपको लगता है ये हिस्टोरिक है मैंने कमाल कर दिया था बहुत अच्छी बॉलिंग की हो या बहुत अच्छी बैटिंग की आ, पिछले साल ही मार्च में हमें कड़प्पा में मैच था कहाँ पे कड़प्पा आंध्र प्रदेश हाँ जी तो उधर पे आ, हमने मणिपुर की टीम को ऑल आउट किया था एट 42 42 रन्स पे और उसमें विकेट कितने लिए थे रौनक ने पांच विकेट्स लिए थे उस टाइम रन कितने दिए बहुत कम रन्स दिए थे इसलिए याद है अभी देखो मेरे पास मेरे साथ तुम्हारे बाकी प्लेयर्स भी हैं तो इस इधर पॉसिबल ही नहीं है कि आप कुछ ठीक है स्पिन स्पिन कर सकें या बॉल को गलत साइड से घुमाएं आप तो मुझे ये बताइएगा कि पिटाई कितनी होती है मतलब अच्छी खासी पिटाई भी कभी हुई है कि कोई एक मैच गए चार ओवरों में अगले बैट्समैन ने धो दिया रौनक को और तुम्हारी कैप्टन ने तुम्हें कहा रौनक तुम्हारी वजह से आज मैच हार कभी मुझ पर ब्लेम नहीं आया कि रौनक तुम्हारी वजह से हारे हैं बट होता है कभी कभी दिन खराब होता है तो पढ़ते हैं कभी रन भी बट परफॉर्मेंस हमेशा कभी कब कभ पड़े हैं अच्छे खासे रन मे बी जब मैंने पहला नेशनल खेला था फिफ्थ में दैट टाइम क्योंकि बड़े बड़े थे उधर से अब कितने कितने पड़ते हैं अब बहुत कम पड़ते हैं अब सीख लेते हैं टेक्निक्स भी सीख लेते हैं कि कैसा करना है क्या करना है अब थोड़ा एक्सपोजर मिलता है और और ज़्यादा और बहुत टाइम भी हो गया खेलते हुए तो उसकी वजह से अब अच्छा अच्छा रहता है सर योर इंस्पिरेशन माई इंस्परेशन धोनी महेंद्र सिंह धोनी वो क्यों मतलब वो कहाँ थे फिर कैसा स्ट्रगल्स किया और फिर कहाँ पहुंचे और आज कहाँ हैं तो yeah. मुझे लगा आप ये कहने वाले हैं कि आपने अभी अपने एक साथी को लेकर कहा सादिया को लेकर आपने, आपने कहा अ कूल कस्टमर तो आप धोनी को लेकर भी ये कहते हैं वेरी कूल कस्टमर बिल्कुल सबसे टेंस माहौल में भी धोनी बिल्कुल आपको अलग ही एक वर्ल्ड में नजर आ एक्चुअली सेम थिंग यही है बात कि हमेशा इंसान को कूल cool ही रहना चाहिए मे बी अगर वो उस टाइम पे कोई गलत काम कर लेते कुछ गलत क्योंकि ऐसा माहौल ही था उनको तो लेकिन उन्होंने कामली सब लिया तो इसलिए वो आज इस मकाम पे हैं तो सब कामली करना चाहिए so, जो ई इंस्पायर बैट्समैन की या ऑलराउंडर की अगर बात की जाए तो बेस्ट ऐसा मतलब

आई एम नॉट stop एनी anyway. वे मेरा गोल है इंटरनेशनल खेलने का फिर चाहे बुड डिव्यू जाऊँ उधर से बट खेलना है मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ क्रिकेट Life, आई लव क्रिकेट क्रिकेट में मेरी जान है तो कैसे छोड़ दूँ yeah. तो कश्मीर की सोसाइटी को लेकर भी बहुत सारी तरह की बातें जो हैं जिस समुदाय से आप आते हैं उसको लेकर भी बहुत सारी बातें हैं कहा जाता है कि भी बड़ी मुश्किलें हैं बहुत दिक्कतें हैं क्रिकेट खेलना या क्रिकेट के अलावा फुटबॉल फुटबॉल बेसबॉल बास्केटबॉल ये सब गेम्स खेलना जो है ये पॉसिबल नहीं है ठीक है हिजाब करना है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं क्या आप इन सब बातों को मानती हैं या आप ये मानती हैं कि नहीं सोसाइटी में पेस, स्पेस बहुत है लेकिन ढूंढने की ज़रूरत कुछ लोगों का माइंड किसी टाइप का होता है कुछ लोगों का नहीं होता लुक आई एम ग्रोइंग अप सो मुझे तो करना ही पड़ेगा बाल लंबे एवं क्योंकि आगे ऐसा नहीं चलेगा बट एक तरफ से सपोर्ट पूरा मिलता है जो करना है आप कर लो बट इन लिमिट्स तो लिमिट्स ज़रूरी हैं आप पूरा बाहर नहीं निकल सकते वट काइंड kind of बाहर की मतलब खुद पे कंट्रोल रख लो वो अच्छा है खेलो जितना खेलना है कोई कोई रोके रोकने वाला नहीं है उस पर आपके पिताजी को धन्यवाद भी दूंगा उनको और मुबारकबाद भी दूंगा इस बात के लिए उनको कि बहुत हौसला चाहिए बड़ी हिम्मत चाहिए जिस समाज से हम आते हैं उस समाज में लोगों को इस बात के लिए कन्विंस करने के लिए कि बेटियां बेटों से किसी मामले में कम नहीं हैं आप यकीन करें तो बेटी वो सब कुछ कर सकती है जो आप बेटों से तवक्का करते हैं और उसके बाद इस बात पर यकीन करना कि मेरी बच्ची क्रिकेट खेल रही है और ये क्रिकेट में मेरा नाम रोशन करेगी और एक दिन वो आएगा जब लोग कहेंगे आज भी ऐसे मुझे लगता है महल वाले तो कहते होंगे कि ये रौनक के अबू हैं या ये रौनक की अम्मी कहते हैं फख्र होता है आपके डैड uh, एक बार मैं थे मेरे जीजू थे और मेरे पापा थे तो हम कहीं पे गए थे एंड वो एक अंकल है वहाँ से एंड देन ही वाज लाइक ये रौनक के पापा हैं एंड पापा बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि पहले बोला जाता था कि ये गुलाम कादिर की बेटी है एंड देन जब बोला कि रौनक के पापा हैं तो पापा की स्माइल एक अलग सी थी तो बहुत खुश होते हैं पापा बहुत सपोर्टिव है बट डू यू रिग्रेट वन थिंग कि ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स हैं इतने सारे चैनल्स हैं सब कुछ है लेकिन लड़कियों का अंडर नाइनटीन लड़कियों का अंडर ट्वेंटी थ्री वो लाइव नहीं होता ब्रॉडकास्ट नहीं होता डू यू रिग्रेट दिस थिंग एंड डू यू वॉन्ट दिस थिंग टू इम्प्रूव कि आप कम से कम इसको लाइव ब्रॉडकास्ट करें हमारे पेरेंट्स को पता चले महल्ले वालों को पता चले और हम फोन करके सुनाएं कल हमारा ओ टी टी पे मैच आ रहा है आपने पूरा देखना है मैंने खेलना है वहाँ पर जब मैच्स होते हैं ऐसे तो फिर जब खेल के आते हैं शाम को वापस तो पापा कॉल करते हैं क्या किया कितनी रन्स की कितनी वर्डें गई क्या हो गया क्या नहीं हो कितने विकेट्स लिए तो उससे बेटर है ना कि वो लाइव ही देख लें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बेटी कैसा परफॉर्म कर रही है तो वो बहुत बेटर है एक और चीज़ आपको नहीं लगता कि जब लाइव होना शुरू हो जाएगा तो उसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि समाज भी फिर एक्सेप्ट करना शुरू करेगा क्योंकि जब लोग आपको टेलीविजन के कैमरे के ऊपर देखते हैं और आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है डू यू एग्री विद दिस यस लाइक कुछ सम uh, पीपल ऐसे होते हैं कि सच में जा रही है या कहीं पे कुछ कर रही है कि बस ऐसे ही नाम कहीं करती है तो अब जब वो सच में लाइव देख लेंगे तो उनको यकीन हो जाएगा एंड मे बी देन वो अपनी बेटियों को भी खेलने के लिए आगे दे दे हाँ जी वो बहुत बेटर है अंत में बहुत सारे बहुत सारी बच्चियाँ बहुत बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर में जहाँ कहीं कोई बच्ची है दिल बी वॉचिंग यू दिल बी लिसनिंग टू तो यू सो डू यू वॉन्ट टू गिव दम सम मैसेज सम इंस्परेशन क्या आप लोग भी आइए बॉल लेकर क्रिकेट में मैदान में आइए आप खेल सकते मैं यही कहूँगी आप क्रिकेट खेलते हो फुटबॉल खेलते हो जो भी खेलते हो आप अपना दिखाओ उसमें से लोग जो भी कहते हैं उसको दिमाग में मत रखो आप आगे आओ अब डरना नहीं है इसमें आगे जाओगे मतलब आगे आ जाओ डरो मत थैंक यू वेरी मच तो ये रौनक थे रौ, रौनक थी तो रौनक से मेरी बात हुई और बहुत सारी चीज़ें रौनक ने बताई लेकिन इनके पिताजी को और इनकी माताजी को मेरी तरफ से आ, बहुत बहुत मुबारकबाद मुबारकबाद इस चीज़ के लिए कि एक हौसला करना एक हिम्मत करना और अपने बच्चे पर पूरा ही यकीन करना कि मेरा बच्चा एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता है आने वाले कल में देश के लिए खेल सकता है देश का नाम रोशन कर सकता है और एक बाप का अपनी बेटी के क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट लेना कि बच्ची को फ़ोन करके ये पूछना भाई अब बताओ आज रन कितने मारे स्कोर कितना किया और घर से बाहर होना और बिल्कुल एक टीम उसमें टीम एनवायरमेंट में होना और वहाँ पर बच्चे से ये सब सवाल जवाब पूछना बच्चों हौसला बढ़ाता है रौनक उस आने वाले कल की एक झलक है उस आने वाले कल की एक मिसाल है जिस आने वाले कल में जम्मू कश्मीर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं जेके सी ए की टीम को बी सी सी आई की टीम को जो जिस वम्मू कश्मीर में काम कर रही है उन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद और इससे पहले जो टीमें रही हैं जिन लोगों ने ये माहौल बनाया जिस माहौल के नतीजे में रौनक हो शादियाँ हों या अन्य जम्मू के बच्चे हों जो क्रिकेट इस वक्त बहुत अच्छा खेल रहे हैं उन सबको मौका मिल रहा है खेलने का और ख़ासकर जैसे मैंने आपको कहा कि बच्चियों को जब खेलने का मौका मिलता है महिलाओं को जब क्रिकेट ग्राउंड में आने का मौका मिलता है खासकर जम्मू कश्मीर में तो ये ये चीज़ दर्शाता है कि आने वाला कल जो है वो बहुत रोशन और आने वाला मुस्तकबिल जो है वो बहुत ज़्यादा रोशन है तो मेरी तरफ़ से रौनक को रौनक के परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद और आप सभी लोगों से गुजारिश ये अपना जो भी सपना देखते हैं उस पर विश्वास रखिए और माताओं और पिताओं से सिर्फ एक विनम्र विनती और आग्रह रौनक अगर खेल सकती है संगम साउथ कश्मीर से आपके बच्चे राजौरी में हैं पुंछ में हैं डोडा में हैं किश्तवाड़ में हैं बदरवा में हैं बहुत बेहतरीन इन्वामेंट है इन इलाकों में सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत अच्छी है इन तमाम इलाकों में सांबा में कठुआ में बिलावर में जम्मू के शहर में हालात बहुत बेहतरीन हैं ग्राउंड खाली हैं अपनी बच्चियों को ग्राउंड में ले जाइए और उन्हें भी खेलने का मौका दीजिए क्योंकि उनमें से ही कोई रौनक बनेगी